तुमने इजहार करने में इतनी देर कर दी। अरे अम्मी खैरियत हो है? आप रो रही हैं? क्या हो गया? अबीरा की हैसियत ये बख्तक बीबी अलीना की सास, देखो बच्ची का क्या अर्शन कर दिया इसने। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया अम्मी, वो भी इस वक्त के मुताबिक, अगर आप कहो तो मैं सुना दूं। तुम्हें ख्याल आया? क्या ख्याल आया बताओ, बात सुनो। ये फायजा की बात ना करना मुझसे। अरे अम्मी आप सुनो तो सही, अगर सुनने के बाद मजा ना आए ना तो 2000 रुपए इनाम दे देना। अच्छा बोलो ना क्या बात है। वैसे अम्मी आपने रिश्ता खत्म करने में जल्दी कर दी है। जल्दी कर दी? अरे पागल तो नहीं हो गए? उन फकीरों में रखा क्या था? अगर मैं उनसे रिश्ता जोड़ती ना तो मेरे इस पूरे घर में खाक उड़ जाती। पकड़ लोग। अरे सोचो अम्मी, उनका करोड़ों रुपए का मकान है, थाली तो बहुत छोटी सी चीज है। आए, 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 ये क्या बेवकूफी कर दी मैंने। मतलब बताओ, सामने की चीज नजर नहीं आई मुझे। और सोचो अम्मी, अंकल मुश्ताक तो अब रहे नहीं, तो जो भी उनकी बेटियों के साथ शादी करेगा ना वो ही मालिक हो जाएगा। अगर जमाल भाई और मेरी शादी वहां पर हो जाए ना तो। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग राजी होंगे। अरे अम्मी कोशिश करेंगे तो राजी क्यों नहीं होंगे, बेवकूफ सी जज्बाती सी लड़कियां और सीधी सादी सी माँ। अगर आप महनाज भाभी को यहाँ पर ब्याह कर ले आए तो मैं फायजा से शादी करके वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। अरे अम्मी कुछ दिनों की बात है, बस एक मर्तबा घर हमारे नाम हो जाए ना तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या ख्याल है ना? अच्छा आइडिया। बड़ा शैतानी दिमाग है तुम्हारा, ऐसे ही आइडिया आना था। बस अम्मा आपकी सरपरस्ती है।